महाराज तैयारी भर गई। हाँ राजे, आप हमारे साथ चलो राजे। बता रहा हिरण का बच्चा है। चलो बाहर आए। अरे क्या वादा कौन महिला है यार? तुम लोगों के चक्कर में शिकार हाथ राजन आपके चक्कर शिकार हाथ नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, हम और आप एक साथ चलते, मुन्नी लाल और चुन्नी लाल एक साथ चलते हैं। तुम दोनों इस रास्ते से आओ, हम लोग इस रास्ते से आते हैं, आगे मुलाकात होगी।
आदमी को आ रही है, लेकिन अभी तक हम लोगों के हाथ कोई शिकार नहीं जवा। आओ वो जो घना जंगल दिखाई पड़ता है, हम लोग उस जंगल पे चलते हैं। चलो
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको देख नहीं पाया, मैं आपको देख। हाँ बाबा जी, हम सब लोग भी महाराज की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। साधु संत को इतना क्रोध करना ही नहीं चाहिए, और फिर मैं क्रोध में आकर महाराज को कैसे श्राप दे दिया। राजन, हाँ बोल, अगर आप लोग क्षमा क्षमा की लड़ना रखे हैं जाते महाराज, जैसे की निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, फिर उसी प्रकार संत की निकली हुई गाड़ी कभी वापस नहीं होती राजन। लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। नगर बजाकर बारावासी तपस्या करना होगा। हाँ राजन, अपने लाज भर उड़के तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। राजन, वो जो कोई सामने आ रहा है, क्यों आ रहा है? कोई नहीं आ रहा राजन, और बाबा जी बाबा बिल्ली हो गए, बिल्ली नहीं कुकुर हो गए। अरे बाबा अंतर ध्यान हो गए, खाली खमका लगा दिए, कोई बाबा नहीं बाबा के नाम से, कोई भगवान भगवान। राजन, महामंत्री मुनिराज जी कहता है, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कोई संत नहीं, जरूर संत के भेद में भगवान थे। क्या आपने बाबा जी को देखा नहीं था? नहीं महामंत्री, मैं तो सिर्फ शिकार को पीछा करते चला रहा था, बाबा जी को मैंने नहीं देख पाया। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया राजन, अब हम लोगों के लिए क्या क्या है? महामंत्री, इसी जगह से राज दरबार को वापस चला जाएगा, क्योंकि बात अपने बच्चों से बताना बहुत जरूरी है। ठीक है राजन, चलिए। महाराज के साथ राजमहल वापस चलते, क्यों नहीं? महामंत्री विक्रम सिंह, कहिए महाराज, मेरे बच्चों को मेरे पास बुलाया जाए। आपकी जैसी आज्ञा मुनिलाल, जाओ महाराज के सारे परिवार को दरबार दे सको।
जाता था तो आपका चेहरा फूलों के माफी खिला रहता था। आज क्या बात है पिताजी? पिताजी जी, पिंकी तो बिल्कुल ठीक है। आज आपको क्या हो गया है? आप बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हैं? विजय मेरे भाई, भैया मैं काफी देर से पिताजी से पूछ रहा हूं लेकिन पिताजी मुझे कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं। तू मेरा छोटा भाई है, तू ही पिताजी से पूछ, शायद पिताजी तुझे ही कुछ बता दे। आप सच कहते हैं पिताजी।